राग भूपाली। राग भूपाली की उत्पत्ति कल्याण थाट से हुई है। इस राग में मध्यम अर्थात मा और निषाद अर्थात नी, ये दोनों स्वर वर्जित हैं। इस प्रकार इस राग के आरोह और अवरोह में पांच पांच स्वर प्रयोग किए जाते हैं। सा, रे, गा, पा और धा। अतः इस राग की जाति औड़व औड़व है। इस राग का वादी स्वर गंधार यानी गा है और संवादी स्वर धैवत यानी धा है। इस राग का गायन समय रात्रि का प्रथम प्रहर है। इस राग में ख्याल, ध्रुपद और तराना गाए बजाए जाते हैं। राग भूपाली की आरोह, अवरोह और पकड़ इस प्रकार है। सबसे पहले सुनिए आरोह। रे गा पा धा सा और अब अवरोह। सा धा पा गा रे सा। और अब सुनिए पकड़। अब प्रस्तुत है राग भूपाली की स्वर मालिका, जो तीन ताल मध्य लय में निबद्ध है। इसमें 16 मात्राएं होती हैं। पहले प्रस्तुत है राग भूपाली की स्वर मालिका की स्थाई। अब प्रस्तुत है इस स्वर मालिका का अंतरा। गा गा पा धा पा सा 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 धा सा रे गा रे सा धा। गा गा पा धा पा सा 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 धा सा रे गा रे सा धा। गा गा रे सा रे अभी आपने राग भूपाली की स्वर मालिका सुनी।
अब प्रस्तुत है इसी स्वर मालिका पर आधारित एक रचना। बोल हैं, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ। पहले प्रस्तुत है इसकी स्थाई। अब प्रस्तुत है इस रचना का अंतरा। हरियाली बिन जीवन सूना, हरियाली बिन जीवन सूना, हरियाली से जीवन पाओ, अभी आपने राग भूपाली की स्वर मालिका सुनी, साथ ही सुनी इस स्वर मालिका पर आधारित रचना। राग रस बरसी परियोजना परिकल्पना एवं मार्गदर्शन प्रोफेसर पी के भट्टाचार्य, परियोजना संचालन डॉ. हरमेश लाल, आलेख इंद्रदेव प्रसाद, विषय परामर्श संगीत एवं गायन हरभजन सिंह, उमा गर्ग, राकेश पंडित, संतोष कुमार एवं कुमार मुखर्जी, तबला वादन अमजद खान, तानपुरा वादन अरुण प्रभाकर, ध्वनियांकन भूषण गजभिये, सह निर्माण दाऊदयाल चतुर्वेदी, निर्माण रमेश रानी शर्मा तथा विषय समन्वय काव्य रचना निवेदन एवं कार्यक्रम निर्देशन प्रभुदयाल खट्टर।